रिपोर्ट आने पर नए तथ्य सामने आ सकते हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फोरेंसिक लैब भेजे मोबाइल, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। नोएडा से सीमा हैदर और सचिन से पूछताछ का मामला, फोरेंसिक लैब सीमा हैदर के मोबाइल को भेजा गया है और उसमें से जो भी बैकअप होगा उससे नई रिपोर्ट जो सामने आएगी, तथ्य जो सामने आएंगे वो हो सकता है कि हैरान करने वाले हों। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर एटीएस ने दो दिन तक तकरीबन 17 घंटे की पूछताछ की और दर्जनों सवाल सीमा हैदर से किए। ये जानने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान से भारत आने के पीछे सीमा हैदर का मकसद क्या था, लेकिन सीमा हैदर पूरी पूछताछ के दौरान एटीएस अधिकारियों को अपनी प्रेम कहानी सुनाती रही। सचिन से मुलाकात के बाद किस तरीके की बात हुई, कब कब मुलाकात हुई और किस तरीके से इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी, भारत आने के लिए सीमा हैदर ने कब मन बनाया, पूरी लव स्टोरी एटीएस अधिकारियों को सीमा हैदर ने सुनाई, जिसके बाद एटीएस के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। लेकिन अब ग्रेटर नोएडा की रबूपुरा पुलिस, जहां पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उसने कोर्ट से सीमा हैदर के उस टूटे हुए मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट निकलवाने के लिए कोर्ट से अनुमति ली है। जिस मोबाइल को टूटे होने के पीछे की वजह सीमा हैदर ये बता रही थी कि वो पाकिस्तानी लोगों से केवल अपना पीछा छुटाने के लिए उसने उस फोन को तोड़ा है। अब इस फोन से जो डेटा रिकवर होगा उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।